ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तंदूरी मोमोज बनके रेडी हो चुके हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो गाइस, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। वाओ, कितने यम्मी और कितने टेस्टी हमारे तंदूरी मोमोज बनके तैयार हैं दोस्तों। अगर आपको ये खाने हैं तो एक बार आप इसको घर में जरूर बनाएं और बनाकर अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में तंदूरी मोमोज। तंदूरी मोमोज बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और ये आज हम इसको गैस पर बनाकर दिखाने वाले हैं। गैस पर ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और एकदम आपको इसका फ्लेवर बाहर जैसा ही लगेगा। जो आपको बाहर ठेले पर मिलते हैं तंदूरी मोमोज, आपको वही खाने में इसका टेस्ट आएगा। तो बारिश के टाइम में इस तरह के आप स्नैक्स बनाकर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसको बनाकर एंजॉय कीजिए। तो चलो देख लेते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। तंदूरी मोमोज के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे, तो चलो डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है हमने एक बड़ा सा बर्तन और इसमें हम डालेंगे मैदा। तो ये हमने 250 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट हम आटा तैयार करेंगे। इसको अभी हम रेस्ट के लिए रखेंगे, किसी से इस तरह से रखें जिससे कि इसके अंदर हवा ना जाए। और अब हम लेंगे एक बाउल और उस बाउल में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। आप इसको किसी भी चीज से चॉप कर सकते हैं, कद्दू का से या मिक्सी में डालकर किसी भी तरीके से इसको बारीक इस तरह से चॉप कर लें। और इसमें दो बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ तो ये मिलाएंगे। हम निकालेंगे सारा पानी। और सेम उसी बाउल में हम इसको दोबारा से डाल लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर और आधी से चम्मच इसमें अदरक बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और एक चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे। तो ये हमारी मोमोज के अंदर की फिलिंग तैयार है और आटा भी हमारा रेडी हो चुका है बनाने के लिए। तो अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी बनानी है। तो ये देखें, और अब हम इनको बेलेंगे। तो थोड़ा थोड़ा इसमें आप सूखा आटा लगाकर इसको बेल लें। सभी इस तरह से तैयार कर लें और अब हम इनके अंदर फिलिंग भरेंगे। तो इसमें एक एक चम्मच हम इसमें बैटर डालकर इसको मोमोज की शेप में हम तैयार करेंगे।
तो ये देखें, इसी तरह से हम सारे मोमोज बना लेंगे। ये बना लिए हैं हमने और यहाँ पर हमने तेल गरम करने रख दिया है। तो दोस्तों इनको हमें बॉयल नहीं करना है, इनको हमें डीप फ्राई करना है। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है और अब हम इसमें सारे मोमोज डालकर इनको तलेंगे। और इनको ज़्यादा तेज़ गैस पर ना तलें, थोड़ा सा गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। और सभी को हम इसी तरह से मोमोज तलकर निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें, और अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे बेसन। तो इसमें हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सादा नमक, गरम मसाला थोड़ा सा, और आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्ची आधी चम्मच, आधा नींबू का रस, कसूरी मेथी आधी चम्मच, और ये काला नमक है, थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। और ये चाट मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें 4 से 5 हम इसमें डालेंगे दही, और इसमें 2 चम्मच हम इसमें तेल मिलाएंगे। और सभी को अच्छे से डालकर हम मिला लेंगे। और ये है रेड फूड कलर, तो इसमें हम लाल कलर डालेंगे जिससे कि इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा। मिला लेंगे सभी को अच्छे से। तो सारे जो मोमोज हमने तैयार किए हैं वो इसमें मिलाएंगे। हाथों की सहायता से अच्छे से सारा मसाला हम मोमोज के अंदर इस तरह से लगाएंगे। सभी मोमोज अच्छे से मसाले में अच्छे से हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे फॉइल पेपर छोटा सा, और इसके अंदर हम रखेंगे जलते हुए कोयले जो कि हमने गैस पर अच्छे से गर्म कर लिए हैं। गर्म कोयले ही होने चाहिए, इससे हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल तंदूर जैसा फ्लेवर आएगा इससे। और इसमें देसी घी डालकर अब हम इसको एक प्लेट से ढक कर रखेंगे। इसको 5 मिनट के लिए कम से कम इसको रख दें और फिर हम निकाल के देखेंगे। तो जो भी स्मोक इसमें जाएगा तो इससे हमारे खाने में मोमोज बहुत ही अच्छे लगेंगे। एकदम तंदूर जैसा इसके अंदर इस तरह से आएगा फ्लेवर। तो नॉनस्टिक पैन लेंगे और गैस पर रखेंगे हम इसको, क्योंकि हम इसको गैस पर बनाएंगे। आप चाहें तो इसको इस तरह से अवन या माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, क्योंकि हम इसको गैस पर बनाकर दिखा रहे हैं। तो नॉनस्टिक पैन लेकर हम सारे मोमोज इसके ऊपर डालकर और इनको हम सेक लेंगे। तो बस ये हमारे तैयार हैं मोमोज। तो एक बाउल लेंगे और उसमें सारे हम मोमोज डालेंगे और इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया,
और चाट मसाला, इनसे हम इसको डालकर अच्छे से गार्निश करेंगे। इस तरह से मिलाकर रखेंगे। और ये हमने प्लेट तैयार कर ली है दोस्तों, प्याज और नींबू से सैलेड, और ये चटनी है मेयोनीज और मोमोज की चटनी के साथ हम इनको सर्व करेंगे। तो ये थी हमारी तंदूरी मोमोज की वीडियो दोस्तों, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो नए हैं मेरे फ्रेंड्स जो देख रहे हैं वीडियो को, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।